चाय जान, और चाय जान के अंदर हम इंटर होते हैं ब्लैक कॉफी का पूरा। फुल बादशाही लुक टेस्ट है, वो भी बहुत बादशाही है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है। इस तरह का कोई इसका एनवायरनमेंट है। क्या क्या चीजें हैं आपके पास? दवा का डील है, डील वन में एक पिज्जा, स्मॉल पिज्जा है, टू पीस चीजी गार्लिक ब्रेड है, एक स्मॉल ड्रिंक है, स्पेशलिटीज है पिज्जा ब्रेड है स्पेशल, और मॉकटेल्स हैं, आइसक्रीम शेक्स हैं, स्मूथीज हैं। होटल्स में जो चाय बहुत अच्छी थी, सईदाबाद की चाय याद आ गई। अगर आपको रमजान में पीनी हो अच्छी चाय तो आप चाय जान जरूर है। ये लोकेटेड है ये जो रास्ता है मलिर 15 से कायदाबाद जाने के लिए है, और इसके सामने जो है टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और इसके बिल्कुल अपोजिट वाले रोड पे है चाय जान, और चाय जान के अंदर हम इंटर होते हैं और देखते हैं कौन कौन बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो बैठा हुआ है मानी भाई आर बिजी इन फोन, अयाज अली एंड वकार शाही। जी अयाज भाई, तो शेरियाल भाई अभी हम बूटी खा के घर जा रहे थे, तो मैं मली 15 जीवनी से थोड़ा सा आगे बिल्कुल ये लोकेशन पे चाय जान बना है। चाय जान इसका नाम है लेकिन इसके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, और भी जैसे कि आपको कुछ खाना हो हाईवे वगैरह के रेस्टोरेंट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, इसके अलावा लिम्का जूसेस, कंप्लीट वैरायटीज हैं। हम स्टार्ट करते हैं इनके किचन से, और यहाँ पे जो है ब्लैक कॉफी का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और इसके साथ बैक वाली साइड जो है उस तमाम जूसेज हैं, और क्लीनिंग जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, हर चीज़ साफ सुथराई से बनाई जा रही है। और यहाँ पे कैंस वगैरह हैं सारे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कैंस वगैरह। और ये जो है पूरा कॉफ़ी का सेटअप, कॉफ़ी के बाद ये यहाँ पे शुगर्स जो हैं वो अलग से दी जाती हैं। ये जो है बेसिकली जो हमने चाय का रिव्यू दिया था, चाय, पराठा, छोले, ये सब यहाँ पर बनता है। ये नाम सिर्फ चाय जान है, उनके पास आपको जूसेस वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और ये जो है वो बेहतरीन किस्म की चाय। देंगे अब कुछ वकाशाही बताएंगे आपको। वैसे सारी चीज़ें तो आपने बताई दी हैं, बस मैं समरी करना चाहूँगा इन सारी चीज़ों की। जैसे कि आज मैंने बताया है कि जो मेजोरिटी लोग जो होते हैं ज़्यादा ट्रैवल करके हाईवे जाते हैं ताकि उनको सारी चीज़ें मयसर हों, चाय से लेकर जिंगर तक, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप आराम से आके सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, और मलिर वालों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है, बेहतरीन न्यूज़ है बिल्कुल। और हमारी चाय जो है ये आ गई है, और यहाँ की सर्विंग जो है वो भी बड़ी अट्रैक्टिव है, जिस तरह से आप देख सकते हैं वेल मैनेज और साफ सुथराई का बहुत अच्छा निज़ाम है। ये सर्व करने के बाद आपको इसकी फर्दर जो है वो टेस्ट भी शेयर करेंगे किस तरह का यहाँ का टेस्ट है। टेबल एनवायरनमेंट ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। मलिर वालों के लिए क्या खुशखबरी है? सबसे बड़ी खुशखबरी है यार, हाईवे जाने की जरूरत नहीं है। मलिर वाले हो गए, शापेसल वाले हो गए, लांडी करंगी वालों के लिए भी कन्वीनियंट ही रहेगा अगर वो हाईवे का रुख करते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी चाय से लेकर जिंगर तक, और कन्वीनियंट है, और पहली बात है रोड पे बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेपरेट एनवायरमेंट है, अगर आप फैमिली को लेकर आते हैं तो फैमिली आपकी इजीली उस साइड पे बैठ सकती है, और देन ये जो है यानी कि बैचलर्स जो लोग हैं वो यहाँ पर आके बैठ के अपने जायके का फायदा उठा सकते हैं।
तो आइए और यहाँ पर टेस्ट कीजिए। चाय के जो सीन्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं और टेबल जो है ना फुल बादशाही लुक टेस्ट है, वो भी बहुत बादशाही है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है। और एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर है। एक तो टेस्ट अच्छा है, दूसरा प्राइस रीजनेबल है, तो दोनों चीजें एक साथ व्यवस्था है। हमें आपने आज भी एक चीज तो आप भूल ही गए, जो पठान के होटल पे जब हाईवे पे चाय वाय दे रहे होते हैं ज्यादातर उनके कप आप देखेंगे बहुत छोटे होते हैं। हाँ, नीचे से एक इंची जी और यहाँ पे देखिए लेवल है बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो मतलब जिस तरीके से लोग रेट ले रहे हैं उस तरीके से चाय भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, क्वांटिटी सफाई सुथराई बहुत अच्छी है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं रेंज अच्छी है, क्या बच्चे डिनर सेट अच्छा है। साइड पे फैमिली सेपरेशन है और मल्टीपल इनके पास जूसेस वगैरह भी हैं और भी बहुत सारे आइटम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मलीर वालों के लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी है, चाय जान पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं। ये डील्स बताएंगे और यहाँ की स्पेशलिटी बताएंगे, चाय के साथ साथ और भी बहुत सारे लवाजमात हैं, उन लवाजमात के बारे में हम जानते हैं इनसे। क्या क्या चीजें हैं आपके पास? सर, हमारे पास सबसे स्पेशलिटीज हैं डिजर्ट है स्पेशल और मॉकटेल्स हैं, आइसक्रीम शेक्स हैं, स्मूथीज हैं। होटल्स में जो स्पेशल्स हैं हमारा ये स्ट्रॉबेरी मार्केट है और इसके बाद स्मूथी से स्ट्रॉबेरी स्मूथी है, आइसक्रीम शेक सबसे हमारे रनिंग आइटम है, उसमें जैकेट के शेक है, इसके बाद स्ट्रॉबेरी शेक है, यह सबसे ज़्यादा चलने वाली है। चाय जान जो है ना हमारे पास स्पेशल जो चाय है कार्डमम टी और सिनेमन टी, सिनेमन टी जो है दालचीनी वाली सबसे ज़्यादा रनिंग वाली है और ज़्यादा चलने वाली। बाकी हमारे पास पिज्जे का भी मेन्यू अवेलेबल है और ये डील्स हमारे पास सर मौजूद हैं। धमाका डील है, डील वन में एक पिज्जा स्मॉल पिज्जा है, 2 पीस चीज़ी गार्लिक ब्रेड है, एक स्मॉल ड्रिंक है। इस तरीके से ये नीचे भी 2 डील्स हैं, ये सारे अवेलेबल हैं। ये जो डील्स हैं चाय जान पे अवेलेबल है, आप नाम सुन के सिर्फ ये अज्यूम नहीं कर लीजिएगा कि यहाँ पर चाय है, चाय के साथ मल्टीपल चीज़ें हैं, जूसेज हैं, जूसेस वगैरह और इसके इसके अलावा इंशाल्लाह हम मेन्यू में और भी ऐड कर लेंगे। रमजान की वजह से ये मेन्यू है और ये मेन्यू भी अप्रिशिएटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। और मलीर जैसे इलाके में आपने हाईवे का मजा दे दिया है और फैमिली के लिए सेपरेशन है और बैचलर्स जो है उनके लिए अलग है, यानी कि फैमिली के साथ आप आए और इस बेहतरीन एनवायरनमेंट से अपनी खुद भी फायदा उठाएं और अपनी फैमिली को भी जायके से लुत्फानंदोज करवाएं। चाय हमने देखो पी ली है, तो चाय का रिव्यू हमने आपको दिया, बहुत बहुत अच्छी चाय है और मजीद आपने को हमने वीडियो में दिखा दिया क्या अवेलेबल है क्या नहीं है इनके पास। तो इस वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं, अगर आपके एरिए में कोई यूनिक जगह जहाँ आप चाहते हैं हम आगे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में बिल्कुल बताएं, हम वहाँ पर आएंगे, व्लॉग बनाएंगे, वहाँ के रिव्यू आपको देंगे। चाय बहुत अच्छी थी, सईदाबाद की चाय याद आ गई, क्योंकि जब जाते हैं इस्लामाबाद तो सईदाबाद की चाय पीते थे रुक के स्पेशली, तो वैसा ही जाएगा अब यहाँ मिल गया, अभी के इंशाल्लाह आपको यहीं मिलेंगे। तो सईदाबाद की चाय जान पे पीने जरूर आए, अगर आपको रमजान में पीनी हो अच्छी चाय तो आप चाय जान जरूर आए। ये लोकेटेड है मलीर बंदरा पे और मजारबन में HBL बैंक है इसकी और बिल्कुल सामने जो है वो मलीर कैंप ऑफिस है स्पेशली। और रमज़ान के बाद आप बिल्कुल दोपहर में विजिट कर सकते हैं, रमज़ान के ऐसे ये सुबह से दोपहर तक बंद होता है, आफ्टर अफ्तार ही खुलता है, तो मेरा मशवरा है कि आप अफ्तार में जाके ट्राई करें उसको अफ्तार के बाद, और ज़्यादातर रमज़ान में चाय पीने के बाद रात में ही आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और इसके अलावा हमारी वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें, कमेंट लाजमी करके बताएं कि किस चीज़ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए और क्या चीज़ हमारी बेहतर है।